नमस्कार, मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्पोर्ट्स न्यूज। आइए शुरू करते हैं क्रिकेट की खबर। नेपाल के दलास प्रवासी और भावुक चुप्पी की आवाज। नीदरलैंड ने जीत हासिल की, लेकिन स्थानीय प्रशंसकों ने शो को चुरा लिया, भले ही जयकार बंद हो गई हो। जैसा कि लोगन वैन बीक ने कहा, ये बताना मुश्किल था कि खेल नेपाल में था या डलास में। अनुमानतः डलास में 15,000 नेपाली रहते हैं और ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में उनमें से आधे से भी कम के लिए जगह थी, लेकिन वे नीले और लाल रंग का समुद्र बनाने के लिए आए और टूर्नामेंट में सुनी गई सबसे डरावनी खामोशी का मंचन किया। इसे गलत न समझें, वहां बहुत जयकारे लग रहे थे और बहुत ज्यादा, और वहां खुश मुस्कान और नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम पर गर्व व्यक्त करने वाले हस्तलिखित संकेत थे। लेकिन जब चौथे ओवर में कुशल भुटेल को LBW आउट दिया गया, या जब मैक्सो डॉव ने छक्का मारा जिससे डच टीम जीत से 3 रन दूर हो गई, तो आवाज एक वैक्यूम की तरह मैदान से बाहर चली गई। एक दिवसीय विश्व कप फाइनल में अहमदाबाद की भीड़ के बारे में सोचे और दुनिया से दूर बहुत कम दाम वाले लोगों के एक छोटे समूह के बीच इसी तरह के जुनून की कल्पना करें। या नहीं, ये टूर्नामेंट में उनकी टीम का केवल पहला खेल है, लेकिन यह शायद सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रुप डी में उनका सामना जिन पक्षों से होगा, उनमें दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। नीदरलैंड और नेपाल ने एक दूसरे को देखा होगा और इस प्रतियोगिता में प्रासंगिक बने रहने के लिए उन्हें जिस प्रतिद्वंद्वी को हराना होगा उसे पहचान लिया होगा। और एम्स्टेलवीन, रोटरडैम या कीर्तिपुर के विपरीत, जहां वे अतीत में सबसे अधिक बार मिले हैं, उन्हें लगभग पूरी तरह से अज्ञात परिस्थितियों में ऐसा करना होगा। उन्हें बस 2 दिन पहले टूर्नामेंट के पहले मैच में खेलना था, जो हाई स्कोरिंग था और जिसमें USA ने कनाडा के खिलाफ 18 ओवर में 195 रनों का पीछा किया था। उस खेल में केवल 8 विकेट गिरे थे और गेंदबाजों को सिर्फ 6, और आज सुबह मौसम अलग था, इसलिए शायद वह मैच इस बात का अच्छा माप नहीं था कि क्या उम्मीद की जाए। खासकर आज मंगलवार को शुरुआती बारिश हुई और मैच 30 मिनट देरी से शुरू हुआ। नीदरलैंड को विकेट का थोड़ा सा अंदाजा था, जैसा कि स्कॉट एडवर्ड्स ने मैच के बाद की प्रस्तुति में कहा, और गेंदबाजों ने खूबसूरती से जवाब दिया। विवियन किंगमा ने तुरंत स्विंग पाए और अपने पूरे कोटे के ओवर शुरू में फेंके, हालांकि कोई इनाम नहीं मिला। हालांकि उन्होंने जो किया वह नेपाल के बल्लेबाजों के मन में ये संदेह पैदा करना था कि दूसरे छोर पर गेंदबाज इसका फायदा उठा सकते हैं। बाएं हाथ के स्पिनर टिम प्रिंगल किंगमा के आउट होने के बाद प्रिंगल को दूसरा ओवर मिला, जब अनिल साह ने ऑफ साइड से गेंद को स्वीप करने के लिए ऊपर से उछाला और टॉप एज किया। तब तक लोगन वैन बीक ने भुटेल को आउट कर दिया था और 3 बार सन्नाटा पसरा था। वैन बीक ने आधे रास्ते पर कहा, मुझे यकीन नहीं है कि हम नेपाल में हैं या डलास में, लेकिन वह नेपाल के प्रशंसकों द्वारा किए गए शोर का जिक्र कर रहे थे, खासकर उनके कप्तान रोहित पौडेल के लिए। 21 साल और 276 दिन की उम्र में वह किसी भी T20 विश्व कप में सबसे कम उम्र के कप्तान हैं और 37 गेंदों में 35 रन नेपाल के लिए सर्वोच्च स्कोर के सबूत के आधार पर वे सबसे परिपक्व कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने की कठिनाइयों को पहचानते हुए भी थोड़ा और अधिक लाभ न उठाने के लिए खुद को दोषी ठहराया। पौडेल ने कहा, ऊपरी परिस्थितियां वास्तव में चुनौतीपूर्ण थी, इसका श्रेय नीदरलैंड के गेंदबाजों को जाता है और एक बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, खासकर मैं 30-35 गेंदों की शुरुआत के बाद मैं चूक गया, लेकिन बीच में कोई साझेदारी और छोटी मोटी साझेदारी नहीं हुई। नेपाल की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी पौडेल और शाह के बीच 25 रन की रही, जिसके बाद उन्होंने 66 रन पर 8 विकेट खो दिए। वे वैन बीक और पॉल वैन मीकेरन की सीम मूवमेंट का सामना करने में असमर्थ थे और बोर्ड पर लगाए गए स्कोर से निराश थे, हालांकि उन्होंने इसे बचाने की कोशिश में हिम्मत दिखाई। उनके सीमरों ने डचों को परेशान किया, जो अपने खोल में चले गए और धीरे धीरे रन बनाए। एडवर्ड ने स्वीकार किया कि आदर्श रूप से हम इसे थोड़ा और जल्दी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये हमारी अपेक्षा से अधिक मुश्किल विकेट था। अंत में वास्तविक अंतर क्षेत्र रक्षण प्रयासों में था। वैन बीक, ओ डॉड और किंगमा ने डीप में अलग अलग कठिनाई के अवसरों को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप वैन बीक ने सोमवार को शानदार प्रशिक्षण सत्र के बारे में कहा और उन्हें पिछले कुछ समय से ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा है जिनकी आउटफील्डिंग में सुधार होना चाहिए। दूसरी ओर नेपाल ने 3 स्पष्ट अवसर गंवाए। ओ डॉड को 16 रन पर रन आउट किया जा सकता था, लेकिन शॉर्ट फाइन से फेंका गया थ्रो वाइड था और अविनाश बोहरा सही तरीके से कैच और रिलीज नहीं कर पाए। उन्होंने बल्लेबाजी की और नाबाद 54 रन बनाकर पारी को संभाला। बाद में सोमपाल कामी ने विक्रमजीत सिंह को 19 रन पर आउट कर दिया और पौडेल ने 18वें ओवर में लॉन्ग ऑफ पर ओ डॉट के 40 रन के मौके को गंवा दिया। वह महत्वपूर्ण था, पौडेल ने कहा।
अगर मैंने वह कैच पकड़ लिया होता तो चीजें अलग होती। शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि नीदरलैंड के पास अभी भी तेजा निदामनुरू और वेन वीक थे, लेकिन कॉडेल की जिम्मेदारी स्वीकार करने की इच्छा सराहनीय है। टॉस होने से लेकर खेल के अंत तक उनकी मुस्कान लगभग स्थायी थी, जो भीड़ के बारे में पूछे जाने पर और बढ़ गई। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा लगा जैसे हम नेपाल में खेल रहे हैं, उन्होंने कहा। एक टीम के रूप में हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारा समर्थन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय क्रिकेट।